एशियन कंट्रीज से क्रिकेट मैच में कोई कर्मकांड ना हो, ऐसा हो सकता है? वेल, बीते कुछ सालों में तो लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच देख लीजिए, कुछ ना कुछ कांड होगा। आप श्रीलंका पाकिस्तान का मैच करवा दीजिए, कुछ ना कुछ होगा। श्रीलंका और बांग्लादेश करवा दीजिए, सारे कांड जो है वो पार कर जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान हमेशा होता है, लेकिन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कानपुर टेस्ट मैच के दौरान भी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। बांग्लादेश के एक फैन हैं जो अक्सर अच्छे से गेटअप करके आते हैं, उनको लेकर एक तस्वीर वायरल होती है और कहा जाता है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, और यह तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल होती है। अब इंडिया और बांग्लादेश में ऐसी चीजें होती आई हैं, मतलब इंडिया के भी सचिन सर के फैन सुधीर को लेकर भी बांग्लादेश में खबर आई थी एक जमाने में कि वहां पर उनके साथ मिसबिहेव हुआ था। इस बार बांग्लादेश का जो सेकेंड टेस्ट मैच कानपुर में चल रहा है, वहां पर भी यही खबर आई कि इंडिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला जब चल रहा था, सिराज खड़े थे, सिराज को एक फैन ने कुछ कहा, जिसके बाद बांग्लादेशी फैंस की इंडियन क्रिकेट फैंस ने पिटाई की। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें अखबारों में, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फैन जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस दौरान उनकी जो सेहत है वो भी थोड़ी सी ऐसी लग रही तस्वीर देखकर कि सेंसिटिव है। सोशल मीडिया पर जहां तक बात है तो और बहुत सारी चर्चाएं भी शुरू हुई कि यार क्या वाकई में इनकी पिटाई कर दी गई है, नहीं पीटा गया है तो क्या सीन है, उनकी हालत इस तरह से क्यों है, और बहुत सारी बातें चल लगी। सोशल मीडिया में जब ये ताज़ी तस्वीरें आईं तो कुछ लोगों ने बांग्लादेशी फैन को सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी यूपी बिहार वाले रिवेंज ले लेते हैं। कई लोगों ने कहा क्रिकेट जो है वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इंडिया में जिन्होंने इस बांग्लादेशी फैन के लिए जस्टिस की मांग की और कहा कि यूपी पुलिस जो है वो जितना सपोर्ट कर सकती करे। लेकिन सवाल ये कि हुआ क्या था, क्या ये सच में इनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव किया गया था या फिर कुछ गड़बड़ था। मतलब दोनों साइड की बातें चल रही, एक साइड कहा जा रहा है कि आई फेल्ट बैड फॉर हिम, कुछ लोगों ने कहा कि वो इस सिराज वाली स्टोरी आई कि सिराज बाउंड्री लाइन में फील्डिंग कर रहे थे, ये जनाब खड़े थे और यहां से कुछ शब्द कहे, जिसके बाद इंडियन फैंस से सुना, सिराज ने रिएक्ट किया। ये बातें बहुत चल रही। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए बुरा फील कर रहा था जब तक ये नहीं पता लगा कि सिराज के साथ इन्होंने ये किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अति उत्साही इंडियन फैंस हैं, वो कह रहे हैं जी प्राउड मूवमेंट है, प्राउड कानपुरिया मूवमेंट है। कुछ लोगों ने इसको सरकास्टिकली देखा कि इंडिया में हॉस्पिटलिटी जो है वो पोलाइट होने की नहीं होती है। बहुत सारी बातें जो है मतलब अलग अलग चल रही। कुछ लोगों ने कहा यार हमारा कल्चर जो है वो अतिथि देवो भव का था, अगर किसी ने कोई बदतमीजी की भी थी तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, आप पोलाइट हो सकते थे। ये सारी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर। लेकिन अब इस खबर का सच जो है वो सामने आ चुका है, और सच ये है कि भाई साहब इंडिया को बेवजह बदनाम ना किया जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो इंडियन फैंस के हिसाब से गलत की गई हो। बांग्लादेश का ये फैन पहले भी इंडिया आता रहा है, पहले भी अपने टाइगर को लेकर रूम करता रहा है और पहले भी मान सम्मान प्यार मिला है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो कहता है कि इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ था, सिराज वाली खबर जो है वो बोकस खबर है, सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया गया। सिर्फ ये घटना जो है ये डिहाइड्रेशन को लेकर हुई थी, ये जनाब डिहाइड्रेट हो गए थे, वहां पर इनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इवन बांग्लादेश के जो ये फैन है इनका खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो भी आया है, जिसमें खुद ये कहते हैं कि मेरी हेल्थ जो है वो थोड़ी खराब हो गई थी, डिहाइड्रेशन का मैं शिकार हो गया था, इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और अब अस्पताल में मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब क्या सच क्या फसाना, ये चर्चा का केंद्र हो सकता है, लेकिन जिस इंसान के साथ ये घटना घटित हुई है अगर वो शख्स खुद कहता है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और डिहाइड्रेशन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं इंडियन फैंस को, इंडियन जो भी लोग इंपॉर्टेंट लोग थे उनको शुक्रिया कर रहा हूँ कि मुझे समय से हॉस्पिटल ले गए और मेरी देखरेख की जा रही है, तो हमें लगता है कि बेवजह इंडिया को बदनाम करने की ऐसी कोशिशों पर पानी डाला जाए। और आप लोग भी इन चीज़ों को फैलाने से रोकें, लोगों को सच बताएं कि सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से ही घटना हुई थी। जहां तक बात मैच की है तो पहला दिन बारिश की वजह से रोक दिया गया, अंपायर ने पहले दिन का खेल खत्म किया। पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। जाकिर हुसैन 24 गेंदों में 0 और
शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर खेले थे। शांतो ने 31 रन बनाए थे। बांग्लादेश की ओर से मोमिनुल हक जो है वो 40 रन बनाकर नाबाद रहे। रहीम जो है वो 6 रन बनाते हैं। इंडिया की तरफ से अश्विन ने कई रिकॉर्ड बनाए और आकाशदीप ने एक बार फिर बताया कि उनका सिलेक्शन कितना जस्टिफाइड है। मैच इंटरेस्टिंग है, क्या नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा हमें नहीं पता। 4 दिन का खेल बाकी है, अगर बारिश नहीं आई तो शायद नतीजा आएगा, बारिश आई तो शायद मैच धुल जाएगा। लेकिन जो कहानी है इंडियन फैंस की बदसलूकी की उसको धुलना जरूरी है, क्योंकि वो सच नहीं है। सच ये है कि इंडिया में फैंस के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ है। ऐसे में अफवाहों से बचें, मस्त रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें।